बाबा, अपने हकीर सरमाए के साथ मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। God bless you, बेटा। अली, करण को राहुल का मैसेज भी दे दो। राहुल ने भी यही मैसेज भेजा है बाबा। बस यूं समझ लीजिए कि मेरे अल्फाज उसके जज्बात की हूबहू तर्जुमानी है। राहुल को आपसे शिकायत है कि आपने उसे अपने केस में इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। भाई, मैंने तो खन्ना साहब को राय दी थी कि उसे भी इस केस में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें कुछ एतराज था। मेरा एतराज बिल्कुल वाजपी है वर्मा जी। अगर मैं राहुल को इस केस में इन्वॉल्व कर लेता तो उसकी करतूतों में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठ जाता। वो शायद भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि लोला की हर साजिश में वो बराबर का शरीक है। अगर उसकी शिरकत नहीं होती तो लोला इतनी आसानी से कामयाब नहीं होती। अभी उससे कह देना मैंने उसको इस केस में इसलिए शामिल नहीं किया कि उसकी इज्जत का भ्रम बना रहे, दुनिया को यह कहने का मौका नहीं मिले कि एक बेटे ने अपने बाप की पीठ पर छुरा फूंक दिया। कितने हुए? 4,37,00,000। लेकिन उसमें शेयर्स और बॉन्ड्स के पैसे ऐड किए? जी जी। और फिक्स डिपॉजिट के भी काउंट कर लिए क्या? जी लाला जी, मैंने पूरी लिस्ट काउंट कर ली। मुझे सारा का रेस्टोरेंट बेचने दो ना। अरे नहीं माइकल, कोई और रास्ता सोचते हैं, निकल आएगा भाई। एक यार की बात ना मान, तो मेरे साथ ना इंसाफी कर रहे हो दोस्त। माइकल भाई, आई अंडरस्टैंड योर फील। मैं तुमसे कैश तो एक्सेप्ट कर ही चुका हूँ ना। ये खन्ना साहब, बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाबा, ये मेरे कुछ जेवरात हैं, रख लीजिए। बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, जीते रहो। लेकिन बेटा, अगर मुझे अपनी बहू के कहने बेचकर प्रॉपर्टी वापस लेनी है तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रॉपर्टी। लेकिन बाबा ये नहीं बेटा, करण ठीक कह रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। भाई दोस्तों, मैं वर्मा जी को फोन करके बोलता हूँ कि ये अपील के कागज तैयार करें प्लीज। बाबा बाबा, कल कोर्ट में पैसों की अदायगी का दिन है, कल अपील के मंजूर होने के चांसेस बहुत कम है। भाई कोशिश तो की जा सकती है ना, मैं जा रहा हूँ। सुबह अदालत को पैसे देने, अभी तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ। I don't know what to know. करण, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो कैसी बातें करती हैं मीम साहब आप? अगर सुबह तक अदालत को पैसे नहीं पहुंचे तो केस और भी उलझ जाएगा। भाई मैं और वर्मा जी अच्छा खासा अपील करना चाहते थे टाइम के लिए, आपने ये कहकर रोक दिया कि लोला को वक्त की छूट मिल जाएगी। अब अगर कल तक अदालत में पैसे जमा नहीं हुए तो लोला की छूट ही छूट है।
करण, प्लीज आराम से बैठ जाओ एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड। वो जरूर तुम्हारा साथ देगा। हेलो हेलो, हम जनाब करण खन्ना साहब से गुफ्तगु करना चाहते हैं। जी एक मिनट, करण तुम्हारा फोन। कौन है? हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? हम आपके पुराने दोस्त बोल रहे हैं। भाई इस दोस्त का कोई नाम तो होगा। नाम भी मालूम हो जाएगा मियाँ, पहले काम की बात तो हो जाए। कैसा काम? मियाँ हमें खबर मिली है कि कल सुबह अदालत में आपके केस पर फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। आपको इस केस से क्या ताल्लुक है? शायद आप बहुत घबराए हुए हैं करण साहब। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं घबराता, समझे आप? किसका फोन था? पता नहीं कौन था, मेरी होने वाली शिकस्त पे हंस रहा था। पधार रहे हैं। डिफेंस लॉयर मिस्टर वर्मा, प्लीज राइज। अदालत के फैसले के मुताबिक चंद मिनटों बाद आपके मुवक्किल को दिया हुआ पेमेंट का समय यानी कि 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। क्या आप पेमेंट के लिए तैयार हैं? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल बस आते ही होंगे। हो सकता है कैश इकट्ठा करने में समय लग गया हो, थोड़े से समय की मोहलत और दे दीजिए माय लॉर्ड। क्या क्या खबर लाया भाई? उम्मीद तो है। क्या मतलब? लाला जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके मनी लेंडर से बातचीत सक्सेसफुल रही है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होनी बाकी है, रकम मिलते ही वो हमें फोन करेंगे। लेकिन हमारे पास वर्क बहुत कम है और कोर्ट खत्म होने से पहले हमें पैसे जमा करने हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में लाला जी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाएंगे। We should have thought about this much much earlier. मैं दोबारा फोन करके आता हूँ। नहीं, लेकिन आप फोन करने से क्या हासिल है? Tom, give me a hand, give me a hand. Yeah, कौन है भाई? I know this gentleman. I was. कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ खासा, बहुत अच्छा। लेकिन आप यहाँ? मैं हम तो ऐसे ही मिलते हैं, याद है पिछली बार भी ऐसे ही मिले थे, है ना? जी हाँ खासा, एक अरसा हो गया लेकिन आपकी याद अक्सर आती रही। बल्कि मुझे इन दिनों लगा कि मैंने आपसे बात भी की है। ना टेलीपैथी है। जी नहीं, आपने मुझे फोन किया था? हाँ मियाँ, हम तो हम ही थे, लेकिन आप न थे, वरना आपने हमारी आवाज भी सुन ली होती और पहचान ली होती। जी हाँ खान साहब, इन दिनों मैं जरा परेशान रहा। मैं माजर चाहूंगा, मैं कोर्ट अटेंड करके अभी। अरे कोर्ट तो हम भी चलेंगे मियाँ, अपने अजीजों से नहीं मिलोगे हमें? अच्छा, ये मेरे समथी हैं। हाँ खान साहब, और ये माइकल मेम साहब है ना, उनके भाई साहब। और माइकल ये खान साहब हैं जिनको मेम साहब कहते थे होटल के सिलसिले में मुलाकात। और खान साहब ये मेरा बेटा है अली। और हमारी बहू बिटिया कहाँ? जी वो अंदर हैं। चलो कोर्ट चलते हैं। ये क्या? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर करण खन्ना
10 करोड़ रुपए की रकम ले आए। हाजिर। अदालत की जजमेंट के मुताबिक मिस लोला सोनी को हुक्म दिया जाता है कि वो 24 घंटों के अंदर मिस कर्म खन्ना की प्रॉपर्टी को वैकेट कर दे। इस प्रॉपर्टी में मिस खन्ना का होटल, बंगला और व्हीकल शामिल है, जिनकी लिस्ट अदालत से मिल जाएगी। मिस लोला अगर इस फैसले की खिलाफ वर्जी करती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सारी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद लोला इंटरनेशनल को उनकी वाजिब रकम अदा कर दी जाएगी। इस अदालत का ये फाइनल फैसला है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। आ गया है बिटिया, सारा सामान पैक हो गया है ना? जी हाँ। तो मैं सारा सामान लोड करवाता हूँ। ये ज्वेलरी के डिब्बे तूने अच्छी तरह चेक कर लिया है ना? कुछ छूटना नहीं चाहिए? सब कुछ तो छूट गया। जो नहीं छूटा है वो मेरी हिम्मत, मेरा हौसला। ये सब कुछ जो खोया है इसे पाने की इच्छा नहीं छूटी। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। और फिर बिटिया तेरे पास वो मुंबई वाला होटल तो है, देखना एक दिन उसी होटल की वजह से तेरा नाम फिर से रोशन होगा। हाँ। अच्छा, आपकी वजह से मेरी और उस होटल की जितनी बदनामी हुई है ऐसे मुझे मुमकिन नहीं लगता। अरे बिटिया, वो पुरानी और फालतू बातें करने के लिए अपने पास समय नहीं। चल चल, जल्दी चल, मैं इंडिया पे गाड़ी में रहता हूँ, आ जा। चल चल उठ। क्या तो है, संभाल के लाना।
मैडम 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। जानती हूँ, बाहर ट्रक खड़ा है, मेरा सामान लोड हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सामान? कौन सा सामान? जहां तक गुड्डी से मुझे जानकारी मिली है, जब आप यहां आई थी तो आपके पास चंद सूटकेसेस के अलावा और कोई सामान नहीं था, और आज आपका सामान ले जाने के लिए ट्रक मंगवाया गया है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम नहीं, आप कहिए। अदब से पेश आइए मेरे साथ। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो हर सामान जो इस घर से बाहर जाएगा पहले चेक होगा, और आपको सिर्फ वही चीजें ले जाने की इजाजत मिलेगी जो आप अपने साथ लेकर आएंगे। मैं यहां से अपना सारा सामान लेकर जाऊंगी। ओके, तो फिर मजबूरन मुझे आपको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाना पड़ेगा मैडम, जिस तरह कभी आपने गुड्डी को गिरफ्तार करवाया था। अली बेटा, ये जो कुछ ले जाना चाहती है इसको ले जाने दो। ये आपने क्या किया बाबा? वो जंग जो उसने शुरू की थी अली, अभी खत्म नहीं हुई। उस जंग को मैं खत्म करूंगा, लेकिन वक्त आने पर। आइए बाबा। चलो बेटा। नहीं खास, पहले आप। चलो। बेटे, ये कुर्सी एक मुद्दत से अपने सही हकदार की मुंतजर है, संभालो इसे। खुशी के मौके पर सब मुंह मीठा कर ले। क्या मुंह मीठे से ही बैठा था? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जी, मैं कुछ
चार्ज करूं? इरशाद अली भाई, इस मुबारक मौके को सही ढंग से मनाने के लिए मैंने आप सब लोगों के लिए एक दावत का इंतजाम कर। अरे वाह, क्या बात है। और हमने एक ऐसी जादू भरी आवाज का बंदोबस्त किया है जिसे सुन के फिजाओं में नूर बरसेगा। तो लोग आ ही गए। थैंक यू। अरे वाह, बहुत ही सुंदर है ये लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखना ये किसकी तरफ से है ये। ओ एक्सक्यूज मी, सॉरी। वाह, बहुत खुशगुजार है। जरा बच के प्लीज, जरा बच के, जरा बच के। अरे भाई, बहुत सुंदर है ना। लवली फ्लावर्स हैं। टेक अ वाइल्ड गेस हु इट्स फ्रॉम। आई डोंट नो।